नमस्कार बच्चों बच्चों, आज मैं हिंदी साहित्य से क्षितिज भाग टू दसम कक्षा के लिए कवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित्त पढ़ाने जा रहा हूँ। कवि कौन है? देव, इनका पूरा नाम हुआ देवदत्त द्विवेदी। तो सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जान लेते हैं। देव रीति काल में श्रेष्ठ कवि थे, उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और उनका जन्म जो है 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ईटा नगर में हुआ था। देव एक प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ आचार्य भी थे। उन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के मध्य अपना काव्य जीवन व्यतीत किया। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह से लेकर, आजम कौन थे, औरंगजेब के पुत्र आजम खां से लेकर कुशल सिंह, भवानी दत्त, भोगीलाल आदि प्रमुख हैं। उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से उन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ये तो कवि के बारे में था। अब उनकी रचनाएं क्या थी? शिव श्री सरोज के अनुसार देव के ग्रंथों की संख्या 72 है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास से इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 25। परंतु इनके केवल 15 ग्रंथ की उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। पहला है भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम तरंग, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान, विनोद, सुख सागर तरंग, काव्य रसायन, राग रत्नाकर, देव माया, देव शतक और अंतिम जो है प्रपंच जाति विलास। इनकी भाषा शैली जो है देव प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त है। उनके मुख्यतः साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। उनको बिंब योजना सराहनीय है और उन्होंने विषयानुसार शब्दों का चयन किया है। उनके अलंकार और छंद योजना भी क्या है, अद्भुत है। अब आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्द इसमें जान लेना है। कठिन शब्द मंजू, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, कटी कमर, किंकिनी करधनी कमर में पहनने वाला आभूषण, लसय सुशोभित, हुलसे आनंदित होना, किरीट मुकुट, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई चांदनी ध्रुम पेड़, सुमन झिंगुला फूलों का झबला, ढीला ढाला वस्त्र, केकी का अर्थ होता है मोर, कीर का अर्थ होता है तोता, हलावे हुलसावे का अर्थ होता है हलावत बातों की मिठास, कंच कली का अर्थ होता है कमर की कमल की कली, चटकारी का अर्थ होता है चुटकी, उमगे का अर्थ होता है उमड़ना, आरसी का अर्थ होता है आईना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देव की सवैया को पढ़ेंगे और उसका अर्थ को समझेंगे। इनकी सवैया इस तरह है, ध्यान से सुनिएगा किस तरह मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ।
पायनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकिनी कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसै पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृक्चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। यहाँ जो है प्रस्तुत पद्यांश रीति काल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित है। इस पद में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनुसार सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है। क्या किया है? वंदना यानी प्रार्थना किया है। इसकी व्याख्या इस तरह करेंगे, बाल कृष्ण के पैरों में पायल के घुंघरू बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रहे। भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था में पैरों में जो पायल के घुंघरू बंधे हुए हैं वे जो हैं मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी कमर में बंधी करधनी भी मधुर आवाज में बज रही है। करधनी कमर में, जो कमर में पहनते हैं, देखा होगा आप लोग बच्चों को चांदी का या जो जैसा जिस प्रकार का जो उसका है वह कमर में पहने, चाहे चांदी का हो, कितना लोग पहनता है, कितना जैसी अपनी उसकी जो है हैसियत के अनुसार। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। कैसे वस्त्र? पीले वस्त्र। उनके हृदय पर वन पुष्पों की माला सुशोभित है। माला सुशोभित है और उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विराजमान है। उनकी आंखें विशाल और चंचल है। उनके मुख रूपी चांद पर हंसी की चांदनी अति मनोहारी लग रही है। कवि देव कहते हैं कि मंदिर में जैसे दीपक सुशोभित है, ठीक वैसे ही संसार रूपी मंदिर में भी श्री कृष्ण ब्रज में दुल्हे के समान सुशोभित है। उनकी सदा जय हो, सदैव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखते हुए मेरी सहायता करें। तो इस पद का जो है भाव सौंदर्य इस तरह है, यहाँ कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की अनुपम रूप सज्जा वेशभूषा का हृदय ग्राही वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है और उन्हें सदैव अपना सहायक बने रहने का आग्रह किया है। तो ये तो देव कवि देव की सवैया का व्याख्या था। आगे बढ़ते हैं इसी में कवित। कवित डार ध्रुव में पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय, पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नैना लतान सिर सारी दय, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो बच्चों ये तो देव की कविता थी जो मैंने अभी पढ़ा। इसका प्रसंग जो है इस तरह है, यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बालक के रूप में बसंत का हृदय ग्राही चित्रण करके
प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध प्रकट किया है। इसकी व्याख्या इस तरह हम लोग करेंगे। बसंत ऋतु के आगमन पर कवि ने बताया है कि बसंत के आने पर वृक्षों की डालियां पालना बन गई है और नए पल्लव और पत्ते कोमल बिछौना बन गए हैं। उनके शरीर पर फूलों का सुंदर झबला अत्यधिक आकर्षक लग रहा है। कवि देव कहते हैं कि हवा उसे झूला 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 रही है। क्या कर रही है? झूला झूला रही है। मोर, तोता, कोयल आदि जो हैं अपनी मधुर मृदु आवाज में मानो तालियां बजाकर खिल रही हो। कोयल आदि अपनी मधुर मृदु आवाज में मानो तालियां बजाकर खिल रही हो। कमल की कली रूपी नायिका इस प्रकार झूम रही है मानो अपने परागकणों से राई नमक मिलाकर बच्चों को नजर उतारने का टोटका कर रही हो। राजा कामदेव के बालक बसंत को उषा काल में गुलाब चुटकी बजाकर क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। इस पद का भाव सौंदर्य इस तरह है। यहां कवि के बसंत ऋतु के आरंभिक काल को छोटे बालक के रूप में क्या किया है? अंकित किया है। क्या किया है? अंकित किया है। सभी प्राकृतिक उषा मानो को उसके लालन पालन में सहायक दिखाया है। बसंत का अनुपम सौंदर्य जो है काम भाव को उत्पन्न करने वाला होता है। तो ये तो थी इस पद की भाव सौंदर्य और व्याख्या। तो बच्चों आगे आप लोग प्रश्न अभ्यास को पूरा करेंगे और अपने उत्तर को ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मैं उसको अच्छी तरह से जांच कर आपको बता सकूं। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू।